नमस्कार मित्रों एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हुआ हूँ मनुष्य में विषाणु द्वारा जो उत्पन्न रोग होते हैं उनके बारे में देखिए चेचक अभी हम लोगों ने लास्ट की लास्ट वाली जो वीडियो हम लोगों ने डाली थी उसमें मैंने बताया था कि गाय को चेचक होती है उसके लिए एक अलग वायरस है भैंस को चेचक होती है उसके लिए अलग वायरस है वैसे ही मनुष्यों में जो चेचक होती है उसका नाम है वेरियोला वायरस है चेचक होता है हर्पीज नाम का है वो हर्पीज वायरस है रेबीज है रेपडो वायरस है ठीक है जिसके कारक विषाणु होते हैं पोलियोमेलाइटिस uh, ये एंटीरो वायरस है एड्स है वो एच का थर्ड वायरस है इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस बोलते हैं ठीक है ना इसके बाद वायरल इंसिफलाइटिस इसको बोलते हैं आइबो आरबो वायरस बोलते हैं डेंगू फीवर को आरबो वायरस बोलते हैं सर्दी जुकाम जिसकी वजह से होता है वो होता है राइनो वायरस मम्प्स जो होते हैं वो मम्प वायरस कहलाता है मिजल्स क्या है पैरामिक्सो वायरस है और चिकन पॉक्स है वेरी वेरी सेला वायरस है ठीक है तो एक छोटा सा वीडियो था जो कि मनुष्य विषाणु द्वारा उत्पन्न रोगों से संबंधित था ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे थैंक्स लॉट कीप वॉचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल